हेलो फ्रेंड्स, कृत्या क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। मैंने यहाँ पर शादी के पुराने कार्ड्स लिए हैं। आज मैं आपको बताऊंगी पुराने कार्ड्स को बर्थडे कार्ड में कैसे बदलेंगे। मेरे पास जो कार्ड्स हैं उसका जो पीछे का हिस्सा होता है वो प्लेन होता है, उस पर कुछ लिखा या छपा हुआ नहीं होता। मैं उसे कट कर लूँगी, सभी कार्ड के प्लेन पेपर्स को मैं सब कट कर लूँगी। देन मुझे कुछ रंगीन पेपर्स मिल जाएंगे जिसकी मदद से मैं अपना बर्थडे कार्ड बनाऊंगी। मैंने यहाँ पर एक प्लेन कार्ड लिया है, उसे मैं फोल्ड कर दूंगी। अब मुझे एक प्लेन कार्ड मिल चुका है, अब इसका यूज़ मैं आपको बाद में बताऊंगी। तब तक के लिए हम फ्लावर तैयार करेंगे। फ्लावर तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कार्ड लिया है, उस पर 2 इंच का मार्क करके एक लाइन ड्रॉ करिए। एक और मार्क करके मैंने एक और लाइन ड्रॉ करी है। इस तरह से मुझे 2 लाइन ड्रॉ करने के बाद मैंने इसे कट कर लिया है। दूसरी लाइन को भी मैं कट कर लूँगी। इसे कट करने के बाद मुझे कुछ इस तरह का पैटर्न तैयार करना है। अब इस पैटर्न की फर्स्ट साइड पर मैं ग्लू लगाकर दूसरी साइड चिपका दूँगी। देन उसके बाद मैं इसकी फर्स्ट साइड पर फिर से ग्लू लगाकर एक रिंग स्ट्रक्चर बना लूँगी। कुछ इस तरह से रिंग स्ट्रक्चर होगा। अब मैं इसका फ्लावर तैयार करूँगी। ये मेरा फ्लावर बन चुका है। अब मैं इसके ऊपर जो एक गोल्ड रिंग बनाई भी इस पर लगा दूँगी। मैंने जो प्लेन कार्ड पहले तैयार किया था उस पर मैं एक राउंड सर्कल करके उसे कट कर लूँगी और उसके पीछे एक स्क्वायर साइज पेपर लगा दूंगी। उसे लगाने के बाद जो मैंने अलग अलग साइज़ के फ्लावर तैयार किए हैं यहाँ पर, वो मैं अपने हिसाब से सेट कर लूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं जैसा आप चाहो। इन सभी फ्लावर को सेट करने के बाद मैं इसके ऊपर मोतियों वाली लेस होती है वो सभी राउंड सर्कल्स में लगा दूंगी। इन सभी राउंड सर्कल में लेस लगाने के बाद कार्ड कुछ इस तरह का दिखेगा।